यस वेलकम वंस अगेन डॉक्टर्स। बहुत बड़े एक साइंटिस्ट ने कहा था, उसने कहा था कि व्हेन यू सिट इन बिसाइड ए पर्सन फॉर हुम यू हैव फीलिंग्स एंड लव फॉर दैट पर्सन, देन 2 hours का जो टाइम है ना वो लगेगा कि टू मिनट में एकदम खत्म हो गया। एंड व्हेन यू सिट ऑन ए फायर स्टॉप, मतलब कि कोई एक गर्म कोई वार्म प्लेस के ऊपर में एकदम बैठते हो तो क्या होगा, 1 minute का समय जो है वो लगेगा कि 1 hour 1 day की तरह है। तो that is the thing happening here. If you are you people are showing interest and with full of joy and energy, that is why तुमलोग का समय जो है पता चला 40 minutes कब पास हो गया पता चला, मुझे भी पता नहीं चला। एल्बर्ट इंस्टीन ने कहा था, हमने जान आंसर दे दिए। एल्बर्ट इंस्टीन, this is also one question. Yes sir, ये टेक्स्ट बुक में था, है ना, नजरिन दाइवी बोल रही है। ओके, सबको एकदम मिला होगा, this is the correct thing, है ना। So here that juice, I can see your juice, I can see the juice inside you. And I have also not felt anything कि 40 मिनट कब खत्म हो गया। चलो वही जोश एकदम बरकरार रखते हुए फिर से एकदम स्टार्ट करते हैं। Very nice going on. Keep up the joss, everyone. Keep up the joss. Question number 87. Which of the following is a correct statement? कौन सा सही है? Both the words in a biological name are printed in bold to indicate their Latin origin. बॉल लेटर में कोई एक साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम, मतलब साइंटिफिक नेम में हम लोग क्या करते हैं, बॉल लेटर में एकदम लिखते हैं, बॉल लेटर में। सही है क्या? अमरिन जहान आंसर दे दिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो डॉक्टर्स। एकदम धधड़ा के एकदम आंसर दे देते हो सब के सब। डी सबा कुछ नदी रक्षिंदा नीलूफर गया मैं। ओके नगमा आर सी एराम, दिस वन आई वॉन्टेड नजरिन ताइबी सलमान राही। ओके ये मैं चाहता था, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। आंचल सऊदी अनाज शाहजहान। ओके लेकिन कल का टेस्ट में मुझे नहीं मिला था शाहजहान साथ, क्लास 11 का टेस्ट में। मेमी मुस्कान भी दे दी है आंसर, क्लास 11 का टेस्ट में सिर्फ कल 10 बच्चे अटेंड किए थे और सब बच्चे कहाँ गए? टेस्ट में एकदम सिर्फ 10 बच्चे क्यों अटेंड किए थे, वाई, व्हाट इज द रीजन? तो देखो सबके सब आंसर दे दिया यहाँ पर, मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता है आंसर, सारे डॉक्टर्स को पता है बट मुझे ही नहीं पता है। सो बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड इन बॉल, बॉल लेटर में एकदम प्रिंट करते हैं, गलत है ना। प्रिंटिंग करते समय उसको क्या करते हैं, इटालिसाइज करते हैं, इटालिक्स में प्रिंट करते हैं, बोल्ड में नहीं। नंबर बी में है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक लेटर्स में दिया जाता है। सही है क्या? ये भी तो गलत है, ग्रीक लेटर में नहीं दिया जाता है, ग्रीक में नहीं दिया जाता है। The first word in a biological name represents its specific epithet, while the second component indicates this genus. ये भी गलत है बच्चों। पहला word जो होगा ना, तो number D, the first word denoting the genus starts with the epithet letter by the specific and the specific by the, यहाँ पर जो बोला है ना by के बदले में n होना चाहिए, and the specific epithet starts with a small letter. तो यहाँ पर कोई भी biological name अगर हम लोग लिखते हैं तो टाइपिंग करते समय, प्रिंटिंग करते समय उसको है ना ऐसे, ये वाला इटालिक्स जो है ऐसे करके टेरा टेरा करके, समझते हो ना, जानते हो सब, एकदम इटालिक्स लेटर में एकदम लिखा जाता है प्रिंट करते समय, टाइप करते समय। और अगर हम लोग हैंड रिटन लिखे तो फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, तो सबसे पहला जो नेम होगा ये होगा जीनस, दिस इज द नेम ऑफ द जीनस एंड दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज इन विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। सो पहला ये जीनस जो नेम होगा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, सेकेंड जो ये स्पीशीज नेम होगा ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, पढ़ने का जो क्या जरूरत है, सब पता है हम लोग को, है ना। सो नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके फिर आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। कहाँ गया 88? क्या था 88, कहाँ गया? तुम लोग एकदम अटैक करोगे देख करके, देखो क्वेश्चन भी एकदम भागने लगा है, एकदम तुरंत एकदम निकालते हैं, सामने आता है बस अटैक कर देते हो, इसलिए क्वेश्चन को भी डर लगने लगा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 88, ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स के अंदर में ही होता है। सही बात है,
करेक्ट ऑप्शन नंबर बी द मोस्ट ऑब्वियस, सबसे एकदम क्लियर, ऑब्वियस मीन्स क्लियर एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्स टू दिस स्टिमुली। सही है ना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एकदम अपना स्टिमुलस को सेंस करता है, रेस्पॉन्स पे करता है। सोडिया का बी है, सभा का सी है। प्रोकैरियोट्स कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज, गलत है ना। प्रोकैरियोट्स भी एकदम एनवायरमेंट में एकदम रेस्पॉन्ड कर सकता है ना। तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, मिमी का देखो आरसी का एकदम आ गया, सी आ गया आंसर, सी आंसर सही है। प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, नीलोफर का भी, प्रभा का भी आ गया, रक्षिंदा का भी आ गया है सी। एस एफ शाहजहान साद सबका सी ऑप्शन आ गया है, करेक्ट है। आरसी फातिमा, निशात रहमानी सही है, करेक्ट है। आंचल का भी सी है, ओके। सलमान राही ऑल्सो सी, ओके। नेक्स्ट नजरीन ताइबी सी, डबल सी, सही है, आंसर इज करेक्ट। क्या होगा यहाँ पर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, और फिर प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया, ये पांचों किंगडम में से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो इन्वायरमेंटल इशू पे क्या कर सकेगा, रेस्पॉन्ड कर सकेगा, इन्वायरमेंट पे रेस्पॉन्ड करेगा, मतलब उसके पास कॉन्शियसनेस होगा। तो यहाँ पर बोला है गलत फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑप्शन सी हो गया। 89 बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, नंबर एंड टाइप ऑफ प्लांट्स, सिर्फ प्लांट प्रेजेंट ऑन अर्थ, नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंट ऑन अर्थ, नन ऑफ द अबव। आमरीन जहान पहले आंसर दे दी है, ए सबा, रक्षिंदा ए, नीलोफर का भी ए, प्रभा का भी ए, मिमी मुस्कान डबल ए, सोदिया ट्रिपल ए, आंचल, आरसी फातिमा ए ए, शाहजहान का भी ए, आरसी एराम एस, अब सबका ए आंसर आ रहा है। सही है, सही है, सही आंसर है। क्या होगा, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, सिर्फ सिर्फ प्लांट का ही नहीं, सिर्फ एनिमल का ही नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया का ही नहीं, सिर्फ फंजाई का नहीं, जितने भी सारे प्लांट्स हैं, जितने भी सारे एनिमल्स हैं, सबका, ओके, देयर इज ऑल ऑर्गेनिजम्स का, कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, कितना वो लोग का नंबर है, कितना वेराइटीज है, कितना टाइप्स है, देयर इज नोन एज क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, क्या है डॉक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सलमान का ए है, सलमान का ए है, सलमान सबसे पहले इस बार आंसर किया है, ओके, सलमान राही वेरी नाइस। सऊदिया का भी ए, सऊदिया का भी ए, फिर और कहां गया, और सब डॉक्टर्स कहां गया, आंचल, निषाद ए है, ओके, निषाद का भी ए है, नजरीन ए, रक्षिंदा, नीलोफर, बहुत सारे ए, बहुत सारे ए है ये लोग का, एकदम पूरा एकदम फुल ऑफ जोश, ऑल द डॉक्टर्स आर फुल ऑफ जोश। क्या होगा, ए है, ए है ना, मिमी मुस्कान ए, आमरीन जहान ए, आमरीन जहान सी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबा कुसनदी डी, थोड़ा सा आंसर में ट्विस्ट आ गया है, आर सी राम का भी डी, थोड़ा सा आंसर में ट्विस्ट आ गया है, पहले देख लो, पहले देख लो, तुम लोग ओ एम आर सीट में एकदम मार्किंग करोगे तो शाहजहान का भी डी, देखो ओ एम आर सीट में एक बार मार्किंग कर देने से ओ एम आर सीट चेंज करेंगे ऐसा नहीं होता है, चेंज नहीं कर सकते ओ एम आर सीट को, है ना, ओ एम आर सीट में डार्कन करना है तो पहले एकदम सबके सब एकदम ए में डार्कन करती है, फिर जाकर के आप डी सी करोगे तो होगा, नहीं होगा ना, तब फिर डॉक्टर कैसे बनोगे, हाँ डॉक्टर कैसे बनोगे फिर, तो इसलिए एक बार एकदम क्लियरली क्लियरली देखना पड़ता है। आंसर सलमान बोल रहा है ए ही होगा। चलो अब देखते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या चीज का यूज किया जाता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ओके, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, एकदम डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यहां पर देखो आंसर जो है ना, आंसर जो है क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव होगा, All of the above, my dears, all of the above होगा। क्यों होगा all of the above? देखो अगर natural बोलता, अगर natural system of classification बोलता, तब हम लोग उसमें कहते कि सिर्फ external character देख करके करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर modern system में एकदम जितना modern system मतलब जो भी information है, जितना सारा information है, सब एकदम collect किया जाता है modern system, ताकि एकदम हम लोग का classification जो है ना, taxonomy जो है, वो एकदम बहुत accurate हो,
पहले एकदम सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स, बहुत पहले सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे, एकदम हैबिटेट के बेसिस पे या फिर फॉर्म के बेसिस पे सिर्फ एक दो कैरेक्टर अगर सिमिलर मिल जाए है ना, तो उसको एक ग्रुप बना दिया जाता है, दैट इज रॉन्ग। पहले एकदम सबसे बहुत पहले एकदम देखो लायन, लायन का कैरेक्टर, लायन जो है लैंड पे रहता है, ह्यूमन बींग्स भी लैंड पे रहता है, तो लायन को और ह्यूमन बींग दोनों को एकदम एक ग्रुप में यानी कि एक जीनस में ऐसे करके डाल दिया जाता है, दैट इज रॉन्ग है ना। बस उसका उसका एक ये देख करके वो दोनों लैंड पे रहता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, इसलिए ये देख करके एकदम एक ग्रुप, जीनस नहीं मैं एकदम मिस्टेक से बोल दिया जीनस, मतलब एक ग्रुप में एकदम डाल दिया जाता था। लेकिन लायन के बीच में और ह्यूमन बींग के बीच में कितना सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है ना। तो पहले ऐसा ही होता था, मतलब कुछ कुछ एक दो कैरेक्टर देख करके बस एनिमल्स को जो है ना क्लासिफाई कर दिया जाता था। अभी ऐसा नहीं, अभी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में एकदम जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सके, कलेक्ट हो सके, सारे इन्फॉर्मेशन एकदम देख करके एकदम क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके डॉक्टर्स।